कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक, गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा के थाना फरहा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपनी मृत सहेली के साथ 3 दिनों तक एक ही घर में सोती रही महिला, जिसकी जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चला तो पुलिस ने बंद कमरे से मृत महिला का शव बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि 26 वर्षीय गंगा अपनी सहेली हेमा के साथ थाना फरहा इलाके के गांव महुन में पिछले काफी दिनों से रहती थी, जो कि अपने पति से तलाक होने के बाद दोनों सहेलियां एक साथ रहती थी। मगर बीती रात लगभग 10 बजे उस समय महुन गांव में सनसनी फैल गई, जब स्थानीय लोगों को हेमा का व्यवहार कुछ अजीब दिखाई दिया, क्योंकि वो अपने घर में जाने से कतरा रही थी और घर में बार बार इत्र का छिड़काव कर रही थी, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें सामने आया कि हेमा ने अपने घर के एक कमरे में ताला लगाया हुआ था, जिससे दुर्गंध आती हुई मिली। तो पुलिस ने कमरे के अंदर महिला गंगा का शव पड़ा देखा, फिर गंगा से पूछताछ करी, जिस पर जानकारी लगी कि हेमा का कई दिन पुराना शव है, जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर बदबू के कारण हेमा उस पर इत्र छिड़क रही थी और उसी घर में हेमा भी पिछले कई दिनों से लगातार रह रही थी, ताकि किसी को कोई शक न हो। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि गंगा ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या करी गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हेमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि ये दोनों एक साथ रहती थी, जो कि काफी दिनों से साथ थी और अच्छी दोस्त थी, लेकिन हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें तो बदबू आने के कारण पुलिस के आने के बाद पता चला कि यहाँ पर शव मिला है, क्योंकि ये दोनों महिला एक साथ किसी काम पर भी जाती थी। लेकिन पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह हत्या है या फिर आत्महत्या। भैया हमें ना मालूम, हम तो खेतों पे आए, जब पुलिस आई है जब हमें तो मालूम पड़ी है। क्या मालूम कर रहा था? जब पुलिस आई थी, जब यहाँ भीड़ भाड़ी हरी खूब कागत है, जब मालूम पड़ी है कि जब कोई मतलब औरत रखी है मरी, मतलब सगरो गांव के लारो, हमें का मालूम कागत है। कैसे संबंधित है दोनों के, कैसे मुलाकात हुई दोनों? कंपनी में काम करवे जाती दोनों, और मैं कंपनी थी का कहते इनकी दोस्ती भैया, और खूब गहरो प्यारो, कोई जिंदगी का कोई लड़ाई दंगा हो का कोई वो हो का कहते हैं खूब गहरो प्यारो जिनको दोनों को। क्या साल से एक साथ रह रही है? कोई है गई कोई साल वाली सी कागत, एक साल सी तो है गई कागत, खूब एक साल हो गई। शादीशुदा थी ये किसी? शादीशुदा आई जाके तो बच्चा है सर। एक महिला देखिए फरा में, एक फरा थाना क्षेत्र में महुआन गांव में एक गांव वालों ने सूचना दिया था कि एक घर है जहां पर एक स्मेल आ रही है बॉडी की, उस पर पुलिस तत्काल वहां गई थी। उसने जो है घर से बॉडी बरामद किया, बरामद करके पुलिस को उसने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो प्राथमिक जांच आई है कि जो महिला है इसके परिवार वालों ने डिस्काउंट कर दिया है और अपने महिला मित्र के साथ में रहती थी। पीएम होने के बाद से जो उसमें तथ्य आएंगे और जो जब प्राथमिक जाँच की जा रही है तो उसमें जो भी स्थिति बनेगी विधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।